मौसी का लड़का है ना, हाँ ठीक है, उसको किसी लड़के ने भेजी थी ना, क्या ठीक है, यानी कि तो जो फिल्म आपकी 4 साल पहले बनी थी वो अभी हाँ। कुछ दिन पहले आपके मौसी के लड़के के पास किसी अनजान लड़के ने भेजी। हाँ मतलब है ना, मेरे गांव में पूछ गई थी वो, और गांव के लड़की मेरा है, वो भाई के पास वो पेचन वाले है ना, हाँ। उन्होंने उसको भेजी कि क्या हो गया ऐसा वैसे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद बहुत से भाई कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं जिसके बाद हम वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, हमें उनके सवाल वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कल एक भाई का हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है जिसके सवाल ने मुझे दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे 3-4 साल के बाद, 3-4 साल पहले बनी हुई धोखे की फिल्म अब जाकर लोगों के व्हाट्सएप पर भेजी जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। आप साइड में देख सकते हैं भाई हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, भाई हमसे कहते हैं सर मेरे को कॉल आया था 3-4 साल पहले ब्लैकमेल का, बट वो वीडियो अब फैला रहे हैं व्हाट्सएप पर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये चीज़ मैं पहली बार में देखूंगा तो भाई मैं इसे सिरे से खारिज करूंगा, क्योंकि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। पर जब भाई कह रहे हैं तो मेरी भी कुछ क्वेरी थी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, भाई के सवाल मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में भाई के पास कॉल करके मैं इस वीडियो में ही आपको इसके सॉल्यूशन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। भाई को लाइव कॉल पर मैं लूँगा अगर वो कॉल उठाएँगे तो, ठीक है। आगे जब मैं भाई से कहता हूँ कि भाई, जब उसने कहा कि 3-4 साल पहले, तो मैंने भाई से कहा कि भाई एग्जैक्ट बताइए कितने साल पहले बनी थी फिल्म, और आपको कैसे पता चला कि अब जाकर कैसे पता चला कि आपकी जो फिल्म है वो व्हाट्सएप पर फैलाई जा रही है। भाई कह रहे हैं कि पहले सवाल का जवाब देते हैं कि एग्जैक्ट 3 साल पहले मेरी फिल्म बनी थी, ठीक है। फिर भाई कह रहे हैं कि मेरे भाई को आया था वीडियो, यानी कि भाई के पास भी नहीं आया, भाई के जो पीड़ित है उसके भाई के व्हाट्सएप पर वो फिल्म आई थी 3 साल के बाद, कैसे डिलीट करें वो वीडियो प्लीज हेल्प मी, ये भाई ने मुझसे कहा। फिर मैंने देखे, मैं जब तक पूरी तह तक ना पहुंचूं तो मैं कैसे किसी फैसले पे आ सकता हूं। मैंने भाई से कहा भाई बुरा ना मानो तो वीडियो आप भेज सकते हैं, दूसरी बात आपके भाई के पास किसने भेजी यह वीडियो, ठीक है। और उसके बाद जब भाई ने हमसे कहा था कि कैसे डिलीट करें वो वीडियो प्लीज़ हेल्प मी, तो हमने कुछ सवाल किए। मैंने भाई से कहा कि भाई देखिए मैं पागल नहीं हूँ, इतना पागल नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि यार 3 साल पहले कैसे संभव है, वो वीडियो डिलीट होगी नहीं होगी, कब होगी कैसे होगी उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि आपके भाई के पास वो वीडियो भेजी किसने, ये मेरा सवाल भाई से था। फिर वो आगे मैं भाई से कहता हूँ कि आपको आप मत करवाना, उसके खिलाफ़ कंप्लेन फाइल मैं करवाऊँगा, उसको अरेस्ट मैं करवाऊँगा, उसके पिछवाड़े को लाल भी मैं करवाऊँगा, असली गुनहगार तक पहुँचना होगा हमें। मैं भाई से ये कहता हूँ, बातों के साथ कह सकता हूँ, गारंटी लेकर आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूँगा, नहीं आपके किसी घर वालों के इसके बारे में पता चलेगा, गाँव में ना रिश्तेदारी में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप मुझे सिर्फ उसके डिटेल दीजिए कि आपके भाई के पास वो वीडियो किसने भेजा। उसके बाद भाई कहता है, और जब जैसे मैंने बताया कि भाई मैं कंप्लेन फाइल करवाऊंगा, तो भाई उनके जवाब में हमसे कहता है और मेरे फ्रेंड के पास कहां से आया कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी कि फ्रेंड के पास आया इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने आज साइबर क्राइम कंप्लेन दर्ज करवा दी। ये चीज़ मुझे और ज़्यादा टेंशन में डाल दिया कि यार हो सकता है इनके साथ घटना हुई हो, तभी तो इन्होंने साइबर क्राइम में कंप्लेन फाइल करवाई है। मैं जब मैंने पूछा कि भाई आपके भाई के पास किसने भेजी, तो उसके जवाब में भाई कहते कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, उसके फ्रेंड्स के पास कैसे गई वो भी समझ नहीं आया, गांव में आया वो वीडियो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी कि भाई कह रहा है कि भाई गांव में आया मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई ने हमारे पास कंप्लेन की कॉपी भी भेजी थी, साइड में आप कंप्लेन की कॉपी भेज देख सकते हैं, ये कंप्लेन 5 तारीख को यानी कि 5 मई को भाई ने फाइल करवाई थी। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई के साथ हुआ तो कुछ ऐसा ही है, अब बाकी जो सवाल हैं 3 साल पहले बनी कब बनी, तो वो भाई से हम लाइव कॉल पे अभी आपसे बात करके बताने वाले हैं
ठीक है। तो मैंने भाई से कहा कि ठीक है कल मैं आपसे बात करूँगा। भाई कहते हैं प्लीज़ हेल्प मी, तो मैं भाई से कहता हूँ कि कल 8:30 के आसपास मैं आपसे बात करता हूँ और जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है मुझे सच सच बताना। अब ये सारी बातचीत भाई के साथ हुई थी मेरी। अब मैंने कुछ सवालों की एक लिस्ट तैयार की है, उस सवालों के जवाब भाई से लेंगे। अब भाई के पास एक बार हम कॉल करते हैं, अभी लाइव में ही कॉल करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही कॉल कर रहे हैं। भाई की आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो किसी भी भाई को ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी की आपकी अगर कोई समस्या है तो उसको डिस्क्लोज कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। कॉल भाई के पास जा रहा है। हेलो। हाँ भाई, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए कट गया था। तो हाँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने बताया कि 3 साल पहले आपकी फिल्म बनी थी धोखे से। हाँ। ठीक है, 3 साल पहले बनी थी। उसके बाद 4 साल पहले। अच्छा, 4 साल पहले बनी थी। फिर हाँ। ये फिल्म आपके पास कब भेजी उन लोगों ने दोबारा? क्या मालूम है क्या, अभी मैं ना, मेरा शॉप है इधर एक, मैं शाम के टाइम घर पे जा रहा था, तो मेरा वो जो मौसी का लड़का है ना, हाँ ठीक है, उसको किसी लड़के ने भेजी थी। नहीं क्या, ठीक है, यानी कि तो जो फिल्म आपकी 4 साल पहले बनी थी वो अभी हाँ। कुछ दिन पहले आपके मौसी के लड़के के पास किसी अनजान लड़के ने भेजी। हाँ मतलब है ना, मेरे गांव में पूछ गई थी वो, और गांव के लड़के मेरा वो भाई के पास वो पेचन वाले है ना, हाँ, उन्होंने उसको भेजी कि क्या हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे तो पहली चीज एक बात बताइए कि आपने कंप्लेंट फाइल करवाई उसके खिलाफ 2 मई 2024 को। हाँ ठीक है। अब इस बात को मैं कैसे मान लूं कि आपकी ये फिल्म 4 साल पहले बनी थी? पहला सवाल, पहले मेरी बात सुनिएगा पूरी, है ना। हाँ, हाँ। और इसका कोई सबूत है आपके पास कि आपकी फिल्म 4 साल पहले बनी थी? जैसे मान लो उस समय आपके पास कोई उसकी कॉल डिटेल हो, नंबर हो, रिकॉर्डिंग वगैरह हो, या फिर उस समय आपने कंप्लेंट फाइल की थी जब 4 साल पहले फिल्म बनी थी? नहीं 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 नहीं, उस टाइम मैंने नहीं की थी, क्योंकि ना मेरे को है ना वो एक ठीक है लड़का था, उसको भी ऐसा हुआ था, वो गया था ना पहले, उसने क्या किया सबको उधर ब्लॉक कर दिया और अकाउंट वगैरह डिलीट कर दिया था। नहीं क्या, ठीक है, तो ये बात थी। तो अब मुझे ये बताइए कि 3 साल पहले एग्जैक्ट हुआ क्या था, 4 साल पहले हुआ क्या था आपके साथ? मैं ना काम से घर पे आया, ठीक है, खाना पीना खा के सो गया था। नहीं हाँ, अचानक मेरे को कॉल मैसेज आ गया ना उसके, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैं उठ कर देखा तो वीडियो कॉल आ रहा था मेरे को, 3 बार आ कर गया था, चौथी बार मैंने उठाया तो उधर लड़की नहीं क्या वो नॉन ड्रेस वगैरह में मेरे को दिखाई दी। नहीं, ठीक है, ठीक है, तब मेरा चेहरा वगैरह उसमें पूरा आ गया, वो 2 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग हो गया। नहीं क्या, और अब कॉल कट हो गया। ठीक, मैंने फिर कॉल करने कट कर होने के बाद मेरे को व्हाट्सएप वॉइस कॉल आने लगे और कॉल आने लगे। नहीं क्या, ठीक है, नहीं तो मैं इंस्टा फेसबुक पर वायरल कर दूंगा ऐसा ऐसा आपके जान पहचान के लोगों को। नहीं क्या, जिन्होंने वो दाखा थे वो सेंड किए, नहीं क्या ऐसा वीडियो मेरे को है ना, उन्होंने दिखाया वो कि ये देखो मैंने सेंड भी कर दिया। अच्छा, सेंड करने का स्क्रीनशॉट आपके पास भेजा था, ठीक है। हाँ, तो मैं डर गया और मैंने मोबाइल को ना पूरा वो जो फेसबुक इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दिया। नहीं क्या, ठीक है, और मोबाइल भी बंद करके रख दे 2 दिन। अच्छा, ऐसा हो गया था मेरे को। अच्छा, तो मतलब जब फिल्म बनी थी आपने उन लोगों को पैसा दिया था कुछ? नहीं, कुछ नहीं दिया था। ठीक है, पैसा आपने नहीं दिया, आपने डर के मारे अपना नंबर अपना सिम बंद कर लिया था, ठीक है। हाँ, वो सिम कितने दिन बाद चालू किया था आपने? एक ही दिन में चालू कर रहे थे, मतलब शाम को बंद किया। हाँ, और दूसरे दिन शाम को मैंने खोला। ठीक है, उनका जब फोन वोन आया था तो आपने उन नंबर्स को ब्लॉक किया था? हाँ, ब्लॉक किया था मैंने। ठीक है, आपने ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक करने से पहले आपने मतलब कंप्लेंट फाइल करके उनके पास ना तो कंप्लेंट की कॉपी भेजी और ना ही आपने उनको गाली वगैरह दी, क्योंकि आप डरे हुए थे। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आपने सिम चालू की थी तो हाँ, सिम चालू करने के बाद उनका दोबारा फोन आया था? नहीं नहीं, किसी का नहीं आया था मेरे को। ठीक है, दोबारा फोन नहीं आया था सिम चालू होने के बाद? ठीक है, उन्होंने 4-5 नंबर से मेरे को कॉल किया था पहले उस रात को, तो आपने वो सारे ब्लॉक करते रहे उनको? मैं सिर्फ बॉल ब्लॉक करते, नंबर आया ना ब्लॉक करने का। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि आप फंसे कैसे थे, डायरेक्ट व्हाट्सएप से फंसे थे या फेसबुक के माध्यम से? पहले फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, फिर व्हाट्सएप नंबर लिया हो, क्या था? नहीं, मेरे को ना व्हाट्सएप फेसबुक से ना मेरे को रिक्वेस्ट वगैरह आई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर नंबर लिया था। ठीक है,
अब पहली चीज़ आप मुझे ये बताइए कि जब फेसबुक से आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई व्हाट्सएप पर हुई, तो उन्होंने आपके पास फेसबुक के फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनके स्क्रीनशॉट भेजे होंगे कि आपकी फिल्म देखी आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास हम भेज रहे हैं। तो हाँ ठीक है, देखिए मैं एक बार मान लेता हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि आपकी फिल्म 4 साल पहले बनी थी, अब आपके भाई के पास किसी ने भेजी है। अब मुझे ये बताइए कि आपके भाई के पास जिस व्यक्ति ने वो फिल्म भेजी है वो कौन है? क्या वो मालूम सर जी? नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, क्या वो मालूम है क्या? हाँ वो फिल्म है ना, वो लड़के के पास आई और वो लड़की बता नहीं रहा है कि वो फिल्म कहाँ से आई, किधर से आई, वो नहीं बता रहे नहीं कि? भाई सुनिए, पहली चीज मैं आपको आप क्लियर कर देता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो वो फिल्म आज नहीं आई है, सुनिएगा मेरी बात को। वो फिल्म आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास उसी समय भेजी गई थी जब आपने डर के मारे उनका नंबर ब्लॉक किया था और उनको अपना सिम बंद कर लिया था 1-2 दिन के लिए, ठीक है? उस समय उनको लगा कि आप डरे हुए हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति जब अपनी आपके लिए फिल्म बनाता है ना, आपकी फिल्म बना रहा है, तो वो अपना समय वेस्ट मतलब इन्वेस्ट करता है, यानी कि उनके लिए तो ये बिजनेस था। उन्होंने आपकी फिल्म बनाई, अपना समय इन्वेस्ट किया, आपने उनको पैसा दिया नहीं और बिना उनसे बात किए नंबर ब्लॉक कर दिया और आपने सिम भी बंद कर ली, फ़ोन भी बंद कर लिया। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने आपके फेसबुक फ्रेंड्स के जो स्क्रीनशॉट भेजे थे ना आपके पास, कि उनमें से किसी व्यक्ति को आपकी फिल्म उसी दिन भेजी थी, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे थे, नंबर आपने बंद कर लिया था। तो मेरे भाई आपकी फिल्म जिसने भी लीक की है वो वही व्यक्ति है, आपका फेसबुक फ्रेंड कोई, ठीक है, जिसके आपके पास वो स्क्रीनशॉट हैं? किन किन के स्क्रीनशॉट आपने, पर अभी तो अभी तक तो आपने सब डिलीट कर दिया होगा यार। क्या मालूम सर जी, उसके बाद मेरे 2-3 मोबाइल चेंज हो गए नहीं क्या? हाँ 2-3 मोबाइल मेरे चेंज हो गए। मोबाइल वगैरह भी चेंज कर लिए? उसकी वजह से ना मेरा वो कॉन्टेक्ट भी नहीं रहा, और मैंने वो भी देखा था बाद में, जिस चीज को ब्लॉक किया है मैंने वो भी देख रहा था मैं, पर वो नहीं आ रहे थे नहीं क्या? अब देखिए, ये देखिए कि आपने वो फिल्म कितने लोगों के मोबाइल में देखी अभी तक? अभी तक मेरे को है ना कम से कम, ईमानदारी से बताइएगा, 40-50 लोगों से कॉल आया है मेरे को। 40-50 लोगों से कॉल आया है आपकी फिल्म को लेकर? ठीक है, तो भाई आपकी फिल्म आप ही के किसी फेसबुक फ्रेंड ने लीक की है, और आपकी सबसे बड़ी गलती वो शुरू में थी। आपने अगर मान लो उसी समय आप उनका फ़ोन बंद ब्लॉक ना करके सीधा उनको गालियां देते तो ये परिस्थिति नहीं बनती, क्योंकि आप बता रहे 4 साल पहले, 4 साल पहले जो लोग ये फिल्म बनाते हैं उनको किसी का डर नहीं था, बट अभी पिछले 4-5-6 महीने से उन लोगों को, 4-5-6 महीने भी छोड़िए कि 1.5-2 साल से उन लोगों में डर का माहौल इतना है कि वो फिल्म फेसबुक फ्रेंड्स के पास भी नहीं भेजते हैं। अब आपको ये पता करना है कि अब यार पता भी आप कैसे कर सकते, अब इसमें तो यही है कि जिन लोगों के पास आप उस चैन तक जाइए कि पहली आप पूछिए, जो भी आपके पास भेज रहा है उनसे ये तो पूछिए कि आपके पास आई कहाँ से, ये तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। सर क्या हुआ मालूम है क्या? हाँ वो वीडियो है ना कैसे वायरल हो रहा है मालूम है क्या? हाँ वो वीडियो जैसे कि मेरा मोबाइल नहीं क्या? हाँ मेरे मोबाइल से वो दूसरा कोई वीडियो को कॉल रिकॉर्ड कर रहा है नहीं क्या, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ और वो वीडियो वायरल, और जो मेन वीडियो है ना वो नहीं है, मतलब मेन वीडियो नहीं है? नहीं मेन वीडियो नहीं, जो वीडियो है ना वो नीचे वो रख कर है ना, और उसके ऊपर से ना वीडियो रिकॉर्ड करके वो वायरल की, और नीचे वाला मोबाइल भी दिखाई देता है कि वो चालू है और उसमें वो रिकॉर्ड की है वो। तो भाई ये तो तेरे किसी दोस्त ने किए, नजदीकी आदमी ने, जिसके पास वो फिल्म भेजी गई थी ना उसी ने की है। तो इसके लिए तो आपके पास जिन लोगों का मतलब जिन लोगों के पास से आपके पास वीडियो आई है ना, आप उनको स्पष्ट बताइए ये चीज़ कि आप बताएं कि आपके पास ये फिल्म आई कहाँ से, वरना आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, और जिन जिन लोगों के मोबाइल में ये वीडियो है उन सब का नंबर आप पुलिस को देने वाले, क्योंकि देखिए आपको उस चैन तक तो पहुँचना पड़ेगा कि शुरुआत में कहाँ से वो भेजी गई है। सर पर वो नजदीकी मेरा पुलिस स्टेशन है ना उधर नहीं ले रहे थे, तो मैंने वो नासिक में ना वो ग्रामीण पुलिस स्टेशन है ना उधर साइबर क्राइम उधर गया था मैं, उधर दिया था मैंने कंप्लेंट। आप करते क्या हैं?
मेरा अमरतुल्य है, वो चाय का धंधा, चाय का ये। ठीक है, चाय का काम है आपका। हाँ यार, आपकी तो सिचुएशन ये पहली बार फेस कर रहा हूँ पिछले 5 साल में। मैं इस तरह की घटनाएं तो आज तक मैंने नहीं देखी। हाँ पर ओ सर, वो व्हाट्सएप का डिलीट नहीं होता है क्या? व्हाट्सएप का डिलीट नहीं होता है, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं होती ये चीजें। पर व्हाट्सएप पर जब भेजी गई है तो ये चीजें आज नहीं चल रही होंगी, आपके पास आज पहुंची हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत पहले से। अब बात ये है कि यार मैं अभी भी यकीन नहीं कर रहा हूँ कि आपकी फिल्म 4 साल पहले बनी थी। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि 4-5 साल इतना, ठीक है कोई मेरा दुश्मन भी होगा तो उसके पास होगी, तो वो 4-5 साल क्यों रुका नहीं क्या? मैं वही भी सोच रहा हूँ। नहीं क्या, अब इसमें या तो यह है कि आपके किसी फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेजी गई थी और वो उसके स्पैम में रखी थी, और स्पैम से जाके उसने वो वीडियो कभी देखी है, वो आपसे कोई या तो जलने वाला था, चिढ़ने वाला था, उसने ये हरकत करी है। हाँ अब देखिए, अभी भी मैं नहीं मान रहा आपकी इस बात को कि आपकी फिल्म 4 साल पहले बनी थी। यार मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। क्योंकि सर जी वो है ना, वो बनी उस टाइम की नहीं क्या, पर वो अभी कैसे वायरल हो गई? अब मैं कैसे मान लूं कि और 4 साल पहले बनी थी? मैं तो इसी चीज को नहीं मानने को तैयार, 4 साल पहले बनी थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई भी चीज इतना ट्रेवल नहीं करती। अगर ट्रेवल करनी होती है तो शुरू में कर जाती है वो। पर सर जो आप ये बताइए कि आपका जो मोबाइल था, आपने जो मोबाइल बदले, वो मोबाइल आप ही के पास है या फिर वो आपने किसी को बेचे हैं या किसी को दिए हैं? नहीं सर, वो मेरा जो पहला मोबाइल था ना, हाँ तो चोरी हो गया था। ठीक है, कई चीजें संभव है। एक ये भी संभव है कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास आपने भेजी थी, उन लोगों ने ऐसा कुछ किया हो। ठीक है, और दूसरा भाई ये भी कहीं ना कहीं संभव हो सकता है कि आपका मोबाइल जो चोरी हुआ था, बेशक आपने उसमें से सब कुछ डिलीट किया, पर चोरी करने वाले ने आपकी कैश फाइल से आपकी प्राइवेट चीजें देखने के लिए वो निकाला हो, कैश फाइल रिकवर हो जाती है और वहां से रिकॉर्ड करके इधर उधर फैलाया हो। अब सारी चीजें हैं, आपने कंप्लेन की कॉपी सुनिए मेरी। मैंने ना वो क्रेडिट भी कल वन लिया था नहीं क्या? हाँ उससे वो कब आएगा? अरे रे रे, सुनो सुनो सुनो, आपने जो थर्ड इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन डाउनलोड की थी क्या? हाँ वो क्रेडिट भी का नहीं कल लोन मिलता है वो। अच्छा, उसके बाद, हाँ उसके बाद मतलब कि आपका, आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी उनकी। हाँ बस वहीं से गई है, क्योंकि जब भी आप इस तरह की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो आपकी पूरा एक्सेस लेते हैं मोबाइल का, पूरा टोटली एक्सेस। हाँ तो वहां से भी हो सकती है ये चीजें। पर बात पर क्या मालूम है, मेरे ना मैं वो लोन पे अप्लाई करने वाला था। हाँ? पर मेरे आर्थिक परिस्थिति बहुत डाउन हो गई थी कब मालूम है क्या, अभी 1.5 महीना पहले नहीं क्या, और मेरे मोबाइल का डिस्प्ले चला गया नहीं क्या। अब यार आपके एंगल में तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, आपने ये भी बताया, और पर देखिए कहीं ना कहीं ये तो हुआ है कि हाँ। जो व्हाट्सएप पर ये चीजें फैल रही हैं तो व्हाट्सएप पर तो भाई नंबर्स के ऊपर तो वही लोग फैला सकते हैं, क्योंकि जो आप ये लोन एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं ना, उन लोन एप्लीकेशन के पास ही आपके व्हाट्सएप नंबर, मतलब आपके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनके नंबर उन्हीं के पास जा सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने आपके धोखे से फिल्म बनाई है उनके पास आपके कॉन्टेक्ट नंबर नहीं जा सकते, तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ उसी एप्लीकेशन के जरिए लीक हो सकते हैं, और आप बता रहे हैं जैसा कि आपके व्हाट्सएप पर भेजी जा रही है तो वहीं से भेजी जा सकती है, क्योंकि उन लोगों का फंडा यही है कि लोगों को डराने के लिए कि भाई आप या तो पे करें या फिर आपको ऐसे बदनाम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस चीजों का वो हथकंडा अपनाते हैं। पर वो कॉल आ रहे थे सर मेरे को। हाँ कोई मेरे को दमदाटी वगैरह कुछ नहीं दे, वो बोल रहे थे ठीक है आपका प्रॉब्लम चालू है ना आप दे दीजिए, आप हम आपको छूट भी देते हैं नहीं क्या। पर मेरा क्या, मेरा मोबाइल का डिस्प्ले चला गया, मैंने ना 1 महीना ना डिस्प्ले नहीं डाला नहीं क्या उसका। मैं अभी ना आज वो पेमेंट है ना पे कर देने वाला हूँ। अरे यार ये तो तुम्हारी कई समस्या है भाई, इसमें मैं थोड़ा सा देखो, तीनों में से एक चीज हुई है, तीनों में से एक चीज, या तो शुरुआत में जिन लोगों ने आपके फेसबुक फ्रेंड्स के स्क्रीनशॉट भेजे थे वीडियो बनाने वालों ने, आपने फोन बंद किया, नंबर ब्लॉक किया उनको बिना गाली दिए, तो इस वजह से उन्होंने आपकी फिल्म को आपके किसी फेसबुक फ्रेंड के पास भेजा, और जिस फेसबुक फ्रेंड के पास भेजा है उसने आपके फिल्म को इधर उधर लीक किया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका मोबाइल जब चोरी हुआ तो उस व्यक्ति ने की है, या फिर तीसरी इन लोन एप्लीकेशन वालों ने की है। अब मेन चीज ये है कि अब वो वीडियो में मतलब आप दिख रहे हैं, आप कर क्या रहे थे उस वीडियो में?
सर मैं देख रहा था और मेरा ना शर्ट वगैरह ना बंडल था, मेरे मैंने मैं बंडल पहना था, वो मैं दिख रहा हूँ ना क्या? हाँ हाँ और क्या हुआ मेरे को अचानक ऐसा वीडियो कॉल आया ना, मैं क्या हो गया मालूम है? अब कोई भी होगा तो क्या करता है वो, थोड़ा परेशान भी हो जाता है और थोड़ा खुश भी हो जाता है। आपने कुछ किया था क्या उसमें? ना उसमें ना क्या हुआ, मैंने ना कुछ किया था, मेरा शर्ट वीट गया ना, पहले बंडल पहना था ना, और फिर बंडल रिमूव कर दिया उन्होंने ना एक वीडियो से। नहीं मतलब उन्होंने एडिट किया ना आपका वीडियो? हाँ एडिट किया और नीचे वो अपना किसी और का पार्ट लगा दिया। हाँ मैं समझ गया। अब देखिए, अब आपके पास तीन चीजें हैं। पहली चीज, आप कंप्लेन की कॉपी को अपना हमेशा पास रखें, जिस कोई भी आपके पास वो वीडियो भेजे आप उनके पास वो कंप्लेन की कॉपी तुरंत भेज दें और उनसे कहें कि इस मामले में मैं कंप्लेन फाइल कर चुका हूं, आपके पास वीडियो है, आप तुरंत इसको डिलीट कीजिए। अगर ये वीडियो आपके मोबाइल से किसी दूसरे के पास जाती है तो आप भी इस केस में मतलब भागीदार समझे जाएंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी वाला वीडियो है, इससे वो परेशानी में आ सकता है, तो आपकी फिल्म को इधर इधर फैलाने की बजाय वो तुरंत डिलीट कर देगा क्योंकि आपने इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर रखी। मैंने आपसे कल बात की थी ना, उस बाद मैंने रात के टाइम मैंने स्टेटस पे ऐसा डाल दिया कि मैंने कंप्लेंट दर्ज कर दी। हाँ बिल्कुल डालो, व्हाट्सएप पे डालिए, आप फेसबुक पे डाल सकते हैं कि कोई किसी के पास ऐसी मेरी कोई वो एडिटेड वीडियो है, कोई मुझे ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है, आप इसकी कंप्लेन फाइल कर रहे हैं क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं कोई भाई, दूसरा व्हाट्सएप का नहीं है दूसरा कोई भी ऑप्शन। अगर किसी का वेबसाइट का होता, कहीं कुछ और चीज का होता तो उसका ऑप्शन हम मिलवा देते, उसको डिलीट करवा देते। मैंने वो पेमेंट कर दिया तो डिलीट कर देंगे ना? नहीं भाई, वो कहां से करेंगे, अब वो चीज हो चुकी है लीक, अब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है ठीक है, और देखते हैं कुछ होता है तो मैं कुछ और थोड़ा सोचता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है सर, मेरे लिए ना उतना करो नहीं, क्योंकि ना सर मैं बहुत परेशान हो गया। ठीक है ठीक है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताया तो आपकी ये जो बात है मैं बाकी लोगों के साथ भी साझा करूंगा, पर आपको मैं इंश्योर कर दूं कि आपकी जो प्राइवेसी है, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा ताकि लोग सावधान रहें और ऐसी गलती ना करें। और सर जी सुनो ना, हाँ अभी मैं कुछ कर सकता हूँ क्या मोबाइल से कुछ है ये? भाई फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, ये चीज व्हाट्सएप पे ट्रेवल कर रही है, आपके हाथ में है ही नहीं। आप तो सिर्फ जो लोग आपको पता चले उनके पास वो जो आपकी कंप्लेन है उसकी कॉपी भेज दीजिए, ताकि मैंने किया वो जो मेरे जान पहचान लोग थे ना, मैंने 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 उनको बोल दिया डिलीट कर दो। हाँ ठीक है ठीक है, और बाकी अपने जहन से ये निकाल दो कि इससे बदनामी होगी, कुछ नहीं होगा, सबको पता है आज की डेट में कि इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। ठीक है, मेरी फिल्म लोग बनाते हैं हर तीसरे दिन, इधर उधर मेरे दोस्तों के पास भेज देते हैं, तो धोखे से फिल्म बनाने वाले हैं वो मेरे को भी करते हैं और मैं उनको उठाता हूँ, मेरे को तुम भेज लो, तो ये तो अपने जहन से निकाल दीजिए कि बदनामी होगी, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और कुछ देखते हैं जो होता है फिर आगे करते हैं अपन बात। ठीक है चलो सर, ओके नमस्कार। अब दोस्तों आपने ये बातचीत सुनी हमारी, अब इसमें देखिए भाई, पहली चीज अभी भी मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि 4 साल पहले बनी थी, क्योंकि भाई कंप्लेंट आज फाइल कर रहा है, यानी कि 2 मई 2024 को भाई कंप्लेंट फाइल कर रहा है और भाई के अनुसार इनकी फिल्म 4 साल पहले बनी थी। अब इस चीज को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि ऐसा असंभव है, अगर खुदा ना खास्ता संभव है तो उसके 3 पॉइंट मैंने इसमें कैच किए। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी गलती भाई की यह थी कि भाई की जब धोखे से फिल्म बनी और वो लोग अलग अलग नंबर से फोन कर रहे थे तो भाई उनका नंबर लगातार ब्लॉक कर रहे थे। उसके बाद भाई ने अपनी सिम को 2 दिन के लिए बंद भी कर दिया। अब जब वो लोग आपकी फिल्म बना रहे हैं, अपना पूरा सेटअप तैयार करके आपकी फिल्म बना रहे हैं, तो वो आपके पीछे अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप जब उन लोगों से डर कर नंबर बंद कर लेते हैं या फिर नेगोशिएट करते हैं या फिर उनका अपना नंबर ही बंद कर लेते हैं या फिर उनको ब्लॉक करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ये संभव है कि वो आपकी फिल्म को आपके उन फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेजने का प्रयास करेगा जिनके स्क्रीनशॉट उन्होंने पहले ले रखे हैं ताकि वो आप तक ये सूचना पहुंचाएं। अब होता क्या है, जब इस तरह का कंटेंट आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास जाता है तो डायरेक्ट मैसेज में नहीं जाता, वो जाता है स्पैम में। अब स्पैम का ये लफड़ा है कि अगर आप देख लें उस चीज को तो आज देख लें,
नहीं देखे तो एक साल दो साल तीन साल तक भी नहीं देखते, मतलब तीन साल बाद देखते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्पैम में जो सामान जाता है, जो भी कंटेंट जाता है, वो एक समय के बाद डिलीट हो जाता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि स्पैम में कोई सामान गया तो अगर आपका मोबाइल चल रहा है, आपकी सेटिंग्स आपने ऐसी कर रखी है कि स्पैम का जो भी कंटेंट आता है वो ऑटो डिलीट ना हो, तो आप उस स्पैम के कंटेंट को तीन साल पाँच साल दस साल के बाद भी देख सकते हैं। तो पहली संभावना तो यही है, पर संभावना मतलब हो सकता है कि वो फिल्म भाई के किसी चिढ़ने वाले लोग के पास गई हो, ठीक है, पर उसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। अब दूसरी बात भाई बता रहे हैं कि जिस मोबाइल में इनके पास वो फिल्म भेजी गई थी वो मोबाइल इनके पास था, ये एग्जाम देने गए थे, एग्जाम सेंटर से इनका मोबाइल चोरी हो गया, बैग में रखा था। अब सीधी सी बात है कि वहाँ इनके किसी जानकार ने, जो इनके कई बार ये होता है कि आपका कितना भी खास आदमी हो वो भी चोरी कर सकता, मन में पाप आ जाए किसी के भी आ सकता, पासवर्ड उसको पता होगा और फिर बाद में उसने वो कहीं से वो वीडियो उसके मोबाइल में मिली होगी और उस वीडियो को उसने वहाँ से लीक किया होगा। दूसरे चांस ये हैं। तीसरा चांस ये है, सबसे खतरनाक चांस जो अक्सर लोगों को फंसाता है वो ये है कि धोखे से फिल्म बन जाने के बाद, अगर धोखे से फिल्म बने या फिर आपकी कोई भी प्राइवेसी चीज़ हो, प्राइवेट चीज़ हो, आपके मोबाइल में आपने कितनी भी लॉक कर रखी हो, कितनी भी सिक्योर कर रखी हो, पर अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, खासकर वो एप्लीकेशन जो इंस्टेंट लोन के नाम पर आपको लोन देने का प्रयास करती है, उनकी एप्लीकेशन जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपके पूरे मोबाइल में एक्सेस कर लेते हैं, वो चाहे वीडियो हो, चाहे फोटोज हो, चाहे जीमेल आईडी हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो। और इतनी वल्गर जो हरकत है वही लोग करते हैं। जब आप वो आपके ऊपर इतना ब्याज लगा देंगे, आप उनको पैसा देने से मना करेंगे, तो वो आपके जो प्राइवेट फोटोज हैं उनको एडिट करके, मॉर्फ करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के पास भेजने लग जाते हैं। तो भाई के मामले में अलग अलग कई समस्याएं हैं, तो जरूरी नहीं, अब देखिए ये समस्या है, अब आप भी समझ सकते हैं कि आपने देखेंगे तो आप भी थोड़ा डरेंगे, बट भाई मेरे पास जब तक भाई ने कोई मुझे ऐसा सबूत नहीं दिया कि मैं मानूं कि इनकी फिल्म तीन चार साल पहले बनी थी, ठीक है, और भाई कंप्लेन फाइल अब करवा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि भाई तीन चार साल पहले हमसे मिले हों, हाँ मैं उन तमाम लोगों से गारंटी कह सकता हूँ कि आपकी फिल्म जब भी बनी हो और आप उस समय अगर हमसे मिले थे तो आपके ऊपर 1% आज हम नहीं आने देंगे। ये कुछ प्रॉब्लम्स है, अपवाद स्वरूप है, कुछ भी हो सकता है, पर भाई के साथ कई चीज़ें हुई हैं और भाई अभी भी बहुत सी चीज़ें नहीं बता रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पैनिक में नहीं आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।